गुड मॉर्निंग दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमारा ये मर्जर चैप्टर का क्वेश्चन नंबर थर्टीन टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा सा रह गया था सो so, हम अभी कंटिन्यू करते हैं सो so, हमारा वैल्यू ऑफ फ्री कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव में आ गया था नेगेटिव सेवन ट्वेंटी नेगेटिव एट सिक्स फोर नेगेटिव वन जीरो थ्री सिक्स पॉइंट एट एंड टू फोर वन नाइन पॉइंट टू जीरो सो so गाइज इसको हम वैल्यू ऑफ कंपनी अंडर न्यू स्ट्रेटजी में जब हम इस अमाउंट को पुट करेंगे ये सेवन ट्वेंटी है आपका ये नेगेटिव का एट सिक्स फोर और देन आपका नेगेटिव वन जीरो थ्री सिक्स पॉइंट एट जीरो और यहाँ पे वैल्यू आएगी आपकी फोर्थ ईयर की टू फोर 19.20 इसको 15% परसेंट से डिवाइड करेंगे बट जिस ईयर से आपकी इनकम कंटिन्यू हो जाती है उसका ओपनिंग में ही ये सारी कैलकुलेशन करते हैं इसलिए इसको हम वन पॉइंट फाइव की पावर थ्री लेंगे ना कि फोर लेंगे ये बात याद रखना ये हमें आगे वैल्यूशन ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस चैप्टर में भी हमें ये कंसेप्ट सीखना है सो so, ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर ये यह फोर की जगह थ्री आपको लेना है सो so गाइज इसको कन्वर्ट करके हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी एट सिक्स फाइव ज़ीरो पॉइंट फोर फाइव सो गाइज हम इस वैल्यू को जब यहाँ पे पुट करेंगे रुपीज़ एट सिक्स फाइव जीरो पॉइंट फोर एट फाइव सो so, हमारी जो वैल्यू आएगी नेगेटिव में आएगी नेगेटिव में रुपीज़ सिक्स एट टू पॉइंट एट नाइन नाइन सो आपकी हैंस जी इज़ नॉट वैलिड या नॉट एक्सेप्टेड सो गाइस क्वेश्चन नंबर थर्टीन में यही पूछा था थर्टीन में कि आपकी जो न्यू स्ट्रेटजी है उसकी वैल्यू क्या होगी तो न्यू स्ट्रेटजी की वैल्यू हमारी नेगेटिव में आई है और नेगेटिव में आने का डैट मीन्स कि हमें नई स्ट्रेटजी एडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है सो so गाइज इसमें यही था कि ओल्ड स्ट्रेटजी से आप वैल्यू निकालो और ओल्ड स्ट्रेटजी का कैश इनफ्लो दिया हुआ नहीं है तो हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को ही कैश इनफ्लो मांग लिया है और न्यू स्ट्रेटजी में हमने कैश फ्लो निकाला उसके लिए कुछ सपोर्टिंग वर्किंग नोट्स बनाए हैं और उससे वो हमारा कैश फ्लो आ जाएगा उस कैश फ्लो को जब हम आज की वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा न्यू स्ट्रेटजी की वैल्यू आ जाएगी और न्यू स्ट्रेटजी की वैल्यू और ओल्ड स्ट्रेटजी की वैल्यू का जब हमने डिफरेंस किया तो हमने पाया कि न्यू स्ट्रेटजी से कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है हमारा सिक्स एट टू का नेगेटिव फिगर्स आ रही है सो so, हमें यह स्ट्रेटजी अडॉप्ट नहीं करनी चाहिए सो गाइज यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टीन कम्प्लीट होता है बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पे आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्या कहता है एम के लिमिटेड है इज कंसिडरिंग अनलिमिटेड एम के लिमिटेड एन लिमिटेड को एक्वायर करना चाहता है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल क्या इन्फॉर्मेशन है एम लिमिटेड और एन लिमिटेड तो की तो एम लिमिटेड की अर्निंग आफ्टर टैक्स है साठ लाख एन लिमिटेड की है अठारह लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बारह लाख है और अनलिमिटेड के तीन लाख है मार्केट वैल्यू पर शेयर की बात करें तो वो दो सौ रुपए है एम लिमिटेड के और एनलिमिटेड के एक सौ साठ है द एक्सचेंज ऑफ इक्विटी शेयर फॉर एक्विजीशन है एक्सचेंज ऑफ इक्विटी शेयर फॉर एक्विजीशन इज बेस्ड ऑन द करंट मार्केट वैल्यू मतलब जो एक्सचेंज है वो करंट मार्केट वैल्यू दैट इज एम पी एस के बेस पे है देर इज नो सिनर्जी एडवांटेज अवेलेबल कोई भी सिनर्जी बेनिफिट नहीं है फाइंड आउट द अर्निंग पर शेयर ऑफ कंपनी एम लिमिटेड आफ्टर मर्जर आफ्टर मर्जर के बाद जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर होगा वो क्या होगा ये आप निकालिए सो so गाइस सबसे पहले uh, हमें क्वेश्चन आंसर नंबर फोर्टीन सॉल्व करते हैं। फोर्टीन का पहला पार्ट जो कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है ईपीएस आफ्टर मर्जर ऑफ एम लिमिटेड देखो एम लिमिटेड का ई बताना है वो भी आफ्टर मर्जर बताना है. तो इसमें ईपीएस का फार्मूला क्या होगा आफ्टर मर्जर देखो अर्निंग ऑफ एम लिमिटेड प्लस अर्निंग ऑफ एन लिमिटेड प्लस एनर्जी बेनिफिट अपॉन में नंबर ऑफ शेयर नंबर ऑफ शेयर एम लिमिटेड के प्लस नंबर ऑफ शेयर एन लिमिटेड के इनटू में शेयर एक्सचेंज रेशियो अगर क्वेश्चन में बात करें तो अर्निंग की तो अर्निंग है रुपीज सिक्सटी लाख बात करें अनलिमिटेड की अर्निंग की तो वो है रुपीज़ एटीन लाख सिनर्जी बेनिफिट आपका ज़ीरो है नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो वो आपका ट्वेल्व थाउजेंड ट्वेल्व लैख शेयर्स है प्लस थ्री लैक्स शेयर्स है और शेयर एक्सचेंज रेशो से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे आपको वर्किंग नोट वन में शेयर एक्सचेंज रेशो निकालना होगा कैलकुलेशन ऑफ शेयर एक्सचेंज रेशो ऑन द बेसिस ऑफ एम देखो एम के बेस पे ही निकालना है क्वेश्चन ने यही कहा था सो so, यहाँ पे एक्सचेंज रेशलिमिटेड जिस कंपनी को अक्वायर कर रहे हो और एम ऑफ एम लिमिटेड सिंपल गाइस सो यहाँ पे एम पी एस कितना है अनलिमिटेड का रुपीस वन सिक्सटी है जबकि इसका है रुपीज़ टू हंड्रेड तो रेशो आ जाएगा ज़ीरो पॉइंट एट ज़ीरो रेशो वन एक्सचेंज रेशो तो एक्सचेंज रेशो पॉइंट एट ज़ीरो आ गया तो यहाँ पे हम ज़ीरो पॉइंट एट ज़ीरो कर देंगे सो ये आ जाएगा आपका रुपीस सेवेंटी एट लैक अपॉन में फोर्टीन लैख फोर्टी थाउजेंड शेयर्स जिसकी वैल्यू करोगे तो आ जाएगा फाइव पॉइंट फोर वन सेवन पर शेयर्स ये आपका हो गया ई पी एस तो अर्निंग पर शेयर आपका हो गया फाइव पॉइंट फोर वन शेयर्स सो गाइस क्वेश्चन नंबर 14 का पहला पार्ट तो बहुत इजी है दूसरा पार्ट थोड़ा सा लॉजिकल है अदरवाइज वो भी बहुत इजी है फाइंड आउट द एक्सचेंज रेशियो कह रहा है सो दैट शेयर होल्डर ऑफ एन लिमिटेड वुड नॉट बी लॉस वो एक्सचेंज रेशियो बताएं जहां पे शेयर होल्डर ऑफ एन लिमिटेड को कोई भी लॉस ना हो तो जब भी यहां बात आती है कि वो रेशियो बताओ तो एक तरीके से ये कह रहा है कि एन लिमिटेड की अर्निंग पे कोई भी Uh, कोई भी नुकसान ना हो तो जब भी अर्निंग की बात आती है तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में जो एक्सचेंज रेशो निकालते हैं वो अर्निंग पर शेयर के हिसाब से निकालते हैं क्योंकि यहाँ पर अर्निंग का ही इम्पैक्ट किया गया है सो पॉइंट नंबर सेकंड करते हैं फाइंड आउट एक्सचेंज रेशो एक्सचेंज रेश फाइंड आउट करना है सो so, इसमें आपकी ईपीएस ऑफ द बेसिस ऑफ ईपीएस हमने EPS कैसे फाइंड आउट किया कि EPS के बेस पे निकालना क्योंकि वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि उसकी अर्निंग पे कोई इंपैक्ट ना पड़े तो वो ईपीएस ही होता है तो so, इसमें प्रेजेंट ईपीएस की बात करूं मैं सो एम लिमिटेड की है. और एन लिमिटेड का प्रजेंट ई तो एम लिमिटेड का प्रजेंट ई कितना है तो रुपीज़ सिक्सटी लाख की अर्निंग है नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने थे ट्वेल्व था ट्वेल्व के शेयर्स थे जबकि यही बात करी जाए तो रुपीस एटीन लाख ,00 की अर्निंग है और नंबर ऑफ शेयर थ्री लाख के शेयर्स थे So guys, ये आपका रुपीस आपका यह आ जाएगा रुपीस फाइव पर शेयर जबकि यहां आएगा रुपीस सिक्स पर शेयर तो अनलिमिटेड की अर्निंग थी सिक्स तो अनलिमिटेड की टोटल अर्निंग की बात करें तो टोटल अर्निंग अनलिमिटेड की कितनी होगी सो so, टोटल अर्निंग ऑफ अनलिमिटेड बिफोर मर्जर कितनी है थ्री लाख ,00 के शेयर्स में रुपीस सिक्स पर शेयर्स ये आगे आपके रुपीज एटीन लैक्स ,00 की और ये एटीन लैक्स ,00 आपका आफ्टर मर्जर भी आना चाहिए सो so, आपका एक्सचेंज रेशो होगा ऑन द बेसिस ऑफ ई पी एस नाओ एक्सचेंज रेशो ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस के बेस पे एक्सचेंज रेशो क्या होगा आपका होगा ई पी एस ऑफ अनलिमिटेड अपॉन में ई पी एस ऑफ दैट इज रुप सिक्स अपॉन में रुपीज फाइव सही आ जाएगा वन पॉइंट टू पर शेयर ई पी एक्सचेंज रेशो वन पॉइंट टू पर शेयर एक्सचेंज रेश ना देर फोर क्या हो गया शेयर इशू टू अनलिमिटेड शेयर इशूड टू अनलिमिटेड अनलिमिटेड को आप कितने शेयर इशू करोगे तो देखो तीन लाख तो शेयर्स थे ही उसके पास। और एक शेयर के बदले में वन पॉइंट टू शेयर दे रहे हो तो टोटल तो कितने शेयर हो जाएंगे अनलिमिटेड के पास तीन लाख साठ हजार शेयर्स आपको इशू करने पड़ेंगे अनलिमिटेड के सो so, अब क्या हो गया नाउ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ मर्ज कंपनी मर्ज कंपनी के कितने टोटल नंबर ऑफ शेयर हो गए तो देखो 12 लाख ,00 शेयर तो एम लिमिटेड के है ही प्लस तीन लाख साठ हजार शेयर किसके हो गए अनलिमिटेड के हो गए तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए पंद्रह लाख साठ हजार के अब ईपीएस निकाल दो ईपीएस पी ऑफ एम लिमिटेड का ही निकालोगे जिसने एक्वायर करी है तो ये होगा अर्निंग ऑफ एम अपन में अर्निंग ऑफ एन प्लस का आपका बेनिफिट यहाँ नंबर ऑफ शेयर एम के और नंबर ऑफ़ शेयर एम के इंटू में शेयर एक्सचेंज अब नई कंपनी आपकी खुली है तो वो कितना ईपीएस देगी तो नई कंपनी का ईपीएस कितना होगा दोस्तों ये आपका सेवेंटी एट लैक्स तो टोटल अर्निंग हो जाएगी और नंबर ऑफ़ शेयर की बात करूं तो देखो बारह लाख के तो शेयर्स थे ही प्लस में आपने तीन लाख साठ हजार के शेयर और इश्यू कर दिए तो टोटल हो गए पंद्रह लाख साठ हजार के तो शेयर्स हो गए अगर अर्निंग की बात करूँ तो रुपीज सेवेंटी एट लैक्स दोनों की अर्निंग मिलाऊंगा तो सेवेंटी एट लैक्स हो जाएगा तो आपका ईपीएस हो जाएगा रुपीज फाइव पर शेयर अब देखो अब अनलिमिटेड की बात कर लेते हैं टोटल अर्निंग ऑफ अनलिमिटेड अगर अट्ठारह लाख आ रही है तो डेट इज की हाँ बढ़िया है तो देखो तीन लाख साठ हजार तो इनके पास क्या है शेयर है हो गए हैं अनलिमिटेड के और रुपीज फाइव पर शेयर आपको ईपीएस मिलेगा तो आपकी टोटल अर्निंग हो जाएगी रुपीज एटीन लाख एक्सचेंज रेशो ऑन द बेसिस ऑफ ई पी एस जो एक्सचेंज रेशो है वो ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस होना चाहिए सो so गाइस uh, दूसरा पार्ट मैं कहूँगा तो थोड़ा सा लॉजिकली uh, है अदरवाइज क्योंकि इसमें यह पूछ रहा है कि एक्सचेंज पूछ रहा है कि वो एक्सचेंज रेशो बताओ जिसमें अनलिमिटेड को ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो तो इसके लिए क्या करोगे अनलिमिटेड की पहले मर्जर से पहले क्या अर्निंग होती थी और अनलिमिटेड की मर्जर के बाद क्या अर्निंग होती है और ये यहाँ पे लॉस और प्रॉफिट की बात कही गई थी एक्सचेंज रेशो में तो एक्सचेंज रेशो आपको ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस ईपीएस लेना पड़ेगा सो so, ये कैलकुलेशन करके आपका क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का पार्ट टू भी हो जाएगा So, दोस्तों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन पे आते हैं दोस्तों uh, अच्छा क्वेश्चन है कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है सो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी स्टार्ट करते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर कैलीफ्लोर लिमिटेड इज कैबेज लिमिटेड जो कैलीफ्लोर लिमिटेड है वो कैबेज लिमिटेड को एक्वायर करना चाहती है जो कैलीफ्लोर लिमिटेड हैज फाइव लाख शेयर्स हैविंग मार्केट वैल्यू रुपीज फोर्टी पर शेयर वाइल कैबेज लिमिटेड के पास तीन लाख के शेयर हैं उनकी मार्केट वैल्यू कितनी है रुपीज ट्वेंटी फाइव पर शेयर है द ई ऑफ कैबेज एंड कैलीफ्लोर जो ई है

सो so, हमें रिक्वायर्ड क्या है कैलकुलेट द ईपीएस आफ्टर मर्जर अंडर बोथ द अल्टरनेट इन दोनों ऑल्टरनेटिव से ईपीएस निकालना है आफ्टर मर्जर एंड शो द इम्पैक्ट ऑफ द ईपीएस ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ द टू कंपनी अंडर बोथ द अल्टरनेटिव दोनों ऑल्टरनेटिव में ये बताना है कि आपका शेयर होल्डर के उस पे इंपैक्ट क्या पड़ेगा सो so, गाइस सबसे पहले हम इसका ईपीएस आंसर नंबर फिफ्टीन स्टार्ट करते हैं आंसर नंबर फिफ्टीन का जो पहला पार्ट है वो एक्सचेंज रेशो की बात कर रहा है कि एक्सचेंज रेशो आप क्या रखोगे सो एक्सचेंज रेशो जो है आपका हो जाएगा ई पी एस ऑन द बेसिस ऑफ ई पी एस दी एस ऑफ कैलीफ्लोर ई पी एस ऑफ कैबेज जिसको हायर कर रहे हो जिसको एक्वायर कर रहे हो ई पी एस ऑफ कैबेज अपॉन में ई पी एस ऑफ कैली कैपेज का ई पी एस कितना है रुपीज थ्री और कैली का कितना है रुपीज फाइव सो so, आपका एक्सचेंज रेशो कितना गया पॉइंट सिक्स जीरो जीरो पॉइंट सिक्स जीरो आपका एक्सचेंज रेशो हो गया सो so, आपका पहला तो पार्ट हो गया कि इन द प्रोपोर्शन ऑफ द शेयर ऑफ द टू कंपनी अर्निंग पर शेयर तो अर्निंग पर शेयर के हिसाब से आपका पहली रिक्वायरमेंट तो हो गई कि आपका सिक्स पॉइंट सिक्स जीरो हो गया पॉइंट सिक्स जीरो आपका एक्सचेंज रेशो हो गया अब इसके बेस पे आपको क्या निकालना है इसके बेस पे हमें जो पहला पहली रिक्वायरमेंट है वो है कैलकुलेशन

रुपीज ट्वेंटी फाइव लैक्स क्वेश्चन में दे रखी है और क्योंकि कैलीफ्लोर का आपका फाइव लाख के शेयर थे और मार्केट वैल्यू चालीस है और तीन लाख के शेयर थे और मार्केट मार्केट वैल्यू पच्चीस है बट अर्निंग पर शेयर तीन और पाँच है तो पाँच दिया पंद्रह और पचम सो so, ये आपका नाइन लाख आ गया और सिनर्जी बेनिफिट आपका जीरो था अब नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर आपका कितना है फाइव लाख शेयर्स और इसके आपके कितने हैं शेयर्स थ्री लाख शेयर्स और शेयर एक्सचेंज पॉइंट सिक्स जीरो निकाला आपने मीन्स एक लाख अस्सी हज़ार तो टोटल वैल्यू तो आपकी टोटल अर्निंग तो थर्टी फोर लैक्स हो गई और नंबर ऑफ़ शेयर की बात करूँ तो वो टोटल नंबर ऑफ़ द शेयर हो गए सिक्स लैक्स एटी थाउजेंड के शेयर्स ओके गाइस सो यहाँ पर हमारा जो ई आफ्टर मर्जर पहला पार्ट का था वो रुपीज फाइव पर शेयर्स आया और मैं अगर ईपीएस बात करूं ईपीएस ऑफ कैबेज की वो तो कैलीफ्लोर की निकाली थी कैबेज लिमिटेड आफ्टर मर्जर इस फाइव रुपीस फाइव इन टू में पॉइंट सिक्स इसको टू में रुपीस थ्री पर शेयर so, सो पे हम सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है पहली तो रिक्वायरमेंट ये कह रहा था कि आपको शो द इम्पैक्ट ऑन द ईपीएस तो ईपीएस इंपैक्ट निकालना है सो सेकंड पॉइंट आपका शो इम्पैक्ट ऑन ईपीएस तो यहाँ पे आपका हो गया कैली फ्लावर लिमिटेड और आपका कैबेज लिमिटेड अब ईपीएस मर्जर कितना है पर शेयर है और ये कितना है रुपीस थ्री पर शेयर और आपका ईपीएस बिफोर मर्जर कितना है ये भी रुपीस फाइव पर शेयर रुपीज थ्री पर शेयर सो so गाइस आपका जो इंपैक्ट है कोई भी इम्पैक्ट हैंस नो इंपैक्ट ऑन ईपीएस नो इंपैक्ट ऑन ईपीएस ईपीएस पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा अब मेन यहाँ पे मैं फर्स्ट लिख देता हूँ फर्स्ट फर्स्ट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कर लिया हमने और यहां पे मैं सेकंड लिख देता हूँ सेकंड इंफॉर्मेशन क्या कहता है कि एक्सचेंज रेशो दे रखा है इफ एक्सचेंज रेशो टू में आपका टू मतलब दो के बदले में एक या फिर वन एक के बदले में आधा शेयर तो तो ईपीएस क्या होगा आफ्टर मर्जर पहली रिक्वायरमेंट तो यही थी तो यही होगा अर्निंग ऑफ ए अर्निंग ऑफ बी प्लस में सिनर्जी बेनिफिट अपॉन में नंबर ऑफ शेयर ए नंबर ऑफ शेयर बी इंटू में शेयर एक्सचेंज रेश यही था ना ठीक है गाइस सो यहाँ पे आपका तो अर्निंग ट्वेंटी फाइव लैक्स आ गई पहले भी इतनी थी प्लस यहाँ की अर्निंग आपकी नाइन लाख ओके जी और नंबर ऑफ शेयर हैं आपके कितने हैं फाइव लाख शेयर्स हो गए प्लस में थ्री लैख शेयर्स इंटू में पॉइंट फाइव सो गाइज ये आपका रुपीज थर्टी फोर लैख की टोटल अर्निंग हो गई और इसमें नंबर ऑफ़ शेयर जो है सिक्स लैक्स फिफ्टी थाउजेंड शेयर्स हो गए सो टोटल फाइव पॉइंट टू थ्री पर शेयर्स आपका ई आफ्टर मर्जर आ गया तो ई पी एस ऑफ कैबेज भी निकाल सक निकाल सकते हम ई पी एस ऑफ कैबेज क्या होगा फाइव पॉइंट टू थ्री इंटू में एक्सचेंज रेट ऑफ पॉइंट फाइव सो इसका आ जाएगा टू पॉइंट सिक्स वन फाइव तो कैबेज अब इम्पैक्ट एनालिसिस कर लेते हैं इम्पैक्ट एनालिसिस आपका आएगा ई पी एस ई पी एस आफ्टर मर्जर और ई पी एस बिफोर मर्जर देखो ये तो कैलीफ्लावर है और ये है कैबेज कैबेज है आप कैलीफ्लावर का कितना है आपका फाइव एफ एफ आफ्टर मर्जर कितना आता फाइव पॉइंट टू थ्री और जबकि ये पहले फाइव था और ये आपका टू पॉइंट सिक्स वन फाइव जबकि पहले कितना था थ्री तो इम्पैक्ट क्या पड़ा ये तो हो गया पॉइंट टू थ्री और ये आपका नेगेटिव में आ गया पॉइंट थ्री एट फाइव सो ये तो आपका दोस्तों इंक्रीज हो गया और ये कैबेज के लिए आपका डिक्रीज़ हो गया सो so गाइज हमने इम्पैक्ट एनालिसिस भी कर लिया सो क्वेश्चन नंबर 15 डायरेक्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दी गई है बस ये है कि पहली सिचुएशन रख के दोनों ऑल्टरनेटिव सॉल्व कर लीजिए फिर दूसरी सिचुएशन रखकर दोनों रिक्वायर्ड को सॉल्व कर दीजिए तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में टोटल फोर रिक्वायरमेंट हो गई सो क्वेश्चन ईजी था बट एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना सो सो गाइज़ हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन कम्प्लीट होता है अब हम क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्या कहता है ए लिमिटेड एलिमिटेड वांट्स ए लिमिटेड वॉन्ट्स टू एक्वायर टी लिमिटेड एंड हैज ऑफर्ड अ स्वैप रेशो ए लिमिटेड टी लिमिटेड को एक्वायर करना चाहते हैं और क्या दे रहा है मतलब मतलब नहीं मतलग, दो शेयर के बदले में एक या फिर एक शेयर के बदले में आधा तो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है जैसे ए लिमिटेड है आपका टी लिमिटेड है देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है ए लिमिटेड का अठारह लाख है टी लिमिटेड का तीन लाख साठ हजार है इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग लाख साठ हजार थर्टी है और फोर्टीन है टी लिमिटेड का तो लगभग क्वेश्चन ने सारी रिक्वायरमेंट दे दी है अब क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट क्या है नंबर ऑफ द इक्विटी शेयर टू बी इशूड बाई ए लिमिटेड फॉर टी लिमिटेड अब ए लिमिटेड टी लिमिटेड का एक्विजिशन करेगा तो कितने नंबर ऑफ शेयर देगा तो उससे पहले हमें कहीं ना कहीं एक्सचेंज रेश क्वेश्चन ने दे रखा है सो so, यहाँ पे आंसर नंबर सिक्सटीन का पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ शेयर इशूड तो नंबर ऑफ शेयर इशूड कितना होगा देखो इनके कितने हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर क्वेश्चन में वन लैख एट्टी थाउजेंड क्योंकि ईपीएस आपका थ्री है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नंबर ऑफ शेयर कितने हैं इनके इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग आपका है सिक्स लैक्स ,00 और टी लिमिटेड का है वन लाख एटी थाउजेंड तो देखो वन लाख एटी थाउजेंड शेयर्स के बदले में ये पॉइंट फाइव दे रहे हैं डेट मीनस नाइनी थाउजेंड शेयर्स इशू करे जाएंगे पहला पार्ट खत्म दूसरा पार्ट कहता है व्हाट इज द ऑफ़ ए लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन जो ए लिमिटेड है आपकी ये वाली इसका ईपीएस क्या होगा आफ्टर डेट दैट आफ्टर मर्जर सो ईपीएस ऑफ ए लिमिटेड आफ्टर मर्जर सो फॉर्मूला तो हमारा सिंपल है ही कि अर्निंग ऑफ ए लिमिटेड प्लस अर्निंग ऑफ टी लिमिटेड प्लस सिनर्जी बेनिफिट जो कि क्वेश्चन में जीरो है नंबर ऑफ शेयर ए लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर टी लिमिटेड इन टू में ए लिमिटेड की वो है रुपीज एटीन लाख और अर्निंग ऑफ टी लिमिटेड की बात करें तो रुपीज तीन लाख ,00, सिक्सटी थाउजेंड शेयर एक्सचेंज शेयरिंग वो है सिनर्जी बेनिफिट आपका जीरो है नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो वो है सिक्स लैक्स के शेयर्स ए लिमिटेड के प्लस बी लिमिटेड के शेयर्स है आपके वन लैख एटी थाउजेंड के शेयर्स हैं और अगर इनका एक्सचेंज रेशो की बात करें तो एक्सचेंज रेशो पॉइंट फाइव सो गाइस ये आपका आ जाएगा टोटल रुपीज़ अपॉन में अपॉन में सिक्स लैक्स नाइन्टी थाउजेंड शेयर्स सो गाइस ये वैल्यू आ जाएगी आपकी ईपीएस की थ्री पॉइंट वन थ्री पर शेयर तो आपका जो ईपीएस आफ्टर मर्जर है ऑफ ए लिमिटेड एज थ्री पॉइंट थ्री पर शेयर अब क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई नाउ थर्ड रिक्वायरमेंट है डिटरमाइन द इक्विवेलेंट अर्निंग पर शेयर ऑफ टी लिमिटेड तो टी लिमिटेड का अगर अर्निंग पर शेयर निकालना है तो उसको एक्सचेंज जो ए लिमिटेड का अर्निंग पर शेयर आया उससे उसको अगर एक्सचेंज रेशियो से हम मल्टीप्लाई कर दे तो टी लिमिटेड का अर्निंग पर शेयर आ जाएगा सो ए पी एस ऑफ टी लिमिटेड ए पी एस ऑफ टी लिमिटेड क्या होगा आपका ए पी एस ऑफ ए लिमिटेड रेशो कितना है? A limited continue करते हैं. तो ई पी एस टी लिमिटेड जो है हमारा ई पी एस ऑफ ए लिमिटेड इंटू में अगर उसे exchange ratio से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो थर्टीन पॉइंट वन थ्री इंटू में फाइव सो ये आपका आएगा वन पॉइंट फाइव सिक्स पर शेयर सो so, इस तरीके से हमारा पार्ट थ्री भी कंप्लीट होता है सो so, पार्ट फोर क्या कह रहा है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये पार्ट थ्री हो गया हमारा पार्ट फोर कहता है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ ए लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन एज्यूमिंग इट्स प्राइस अर्निंग रिमेंस अनचेंज प्राइस अर्निंग रेशियो रिमेन अनचेंज है और ए लिमिटेड के मार्केट प्राइस पे क्या असर पड़ेगा या क्या होगी तो मार्केट मार्केट वैल्यू ऑफ ए लिमिटेड स्किल टू में मार्केट वैल्यू का क्या फार्मूला होता है अर्निंग पर शेयर ऑफ ए लिमिटेड आफ्टर मर्जर एन टू में प्राइज अर्निंग रेशियो आफ्टर मर्जर बट बोथ आर सेम तो अर्निंग पर शेयर आपका कितना है थ्री पॉइंट वन थ्री निकाला था आपने और प्राइज अर्निंग रेशियो आपका जितना क्वेश्चन में है टेन टाइम्स सो so, आपका मार्केट वैल्यू जो है दोस्तों वो हो गया आपका थर्टी वन पॉइंट थ्री पर शेयर्स सो यहाँ पे हमारा पॉइंट नंबर फोर भी कंप्लीट होता है पॉइंट नंबर फाइव क्या कहता है डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ द मर्ज फर्म तो मर्ज फर्म की मार्केट वैल्यू मीन्स की यह तो मार्केट प्राइस निकाला है आपने मार्केट प्राइस ऑफ ए लिमिटेड या वैल्यू लिख दिया मैंने ये आपने निकाला है मार्केट प्राइस ऑफ ए लिमिटेड अब आ जाता है मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज फर्म तो मर्ज फर्म की मार्केट वैल्यू क्या है तो मार्केट वैल्यू है सिक्स लैक्स थाउजेंड शेयर्स थे आपके मर्ज कंपनी के और सबकी मार्केट वैल्यू थी आपकी थर्टी वन पॉइंट थ्री थ्री सो आपकी वैल्यू आ गई टोटल टू वन फाइव नाइन सेवन ट्रिपल जीरो नाइन टू करोड़ फिफ्टीन लैक्स नाइन्टी ये आपकी मार्केट वैल्यू आ गई ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि हमें इंफॉर्मेशन दे रही है और हमें फॉर्मूला लगाना है और हमें आंसर निकालना है सो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है ठीक ठाक क्वेश्चन है ये आप क्वेश्चन नंबर सेवनटीन पे आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेवनटीन क्या कहता है देखो एबीसी लिमिटेड इज इंटेंडिंग टू एक्वायर एक्स वाई जेड लिमिटेड बाय मर्जर एंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंपनी देखो लिमिटेड है इज इंटेंडिंग टू एक्वायर एक्स वाई जेड लिमिटेड एबीसी लिमिटेड एक्स वाई जेड लिमिटेड को एक्वायर करना चाहते हैं और द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंपनी जैसे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपके

कैलकुलेशन ईपीएस ऑफ बोथ द कंपनी दोनों कंपनियों का ईपीएस निकालते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है ए लिमिटेड है और यहाँ पे एक्स लिमिटेड है अब देखो ए लिमिटेड का क्या है ईपीएस का क्या फार्मूला होता है अर्निंग एवलेबल टू शेयर होल्डर अपॉन में नंबर ऑफ शेयर होल्डर देखो कितनी अर्निंग अवेलेबल है देखो इनकी ए लिमिटेड की तो अर्निंग पचास लाख की है और नंबर ऑफ शेयर कितने हैं टेन लैक्स के हैं सो so, आपका टोटल हो गया ये रुपीज़ फाइव पर शेयर और इसकी अर्निंग है आपकी रुपीज़ एटीन लाख की और नंबर ऑफ़ शेयर हो गया आपका सिक्स लैक्स के शेयर्स हो गए सो so, ये वैल्यू आ गई आपकी रुपीज़ थ्री पर शेयर्स तो पहली रिक्वायरमेंट तो रिक्वा निकालने की थी जो कि हमने कैलकुलेट कर दी है अब दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है इफ इफ अगर हम मर्जर करते हैं जैसे ए लिमिटेड एक्वायर कर रही है एक्स वाई जेड लिमिटेड को एक्स लिमिटेड को वट वुड बी द न्यू अर्निंग पर शेयर फॉर ए लिमिटेड ए लिमिटेड का न्यू अर्निंग पर शेयर कितना होगा एज्यूमिंग दैट मर्जर टेक प्लेस बाई एक्सचेंजिंग द इक्विटी शेयर एंड द एक्सचेंज रेशन द करेंट मार्केट प्राइस तो आपको इसमें ई पी एस निकालना और इस ई पी एस के लिए सबसे पहले आपको एक्सचेंज रेशो की रिक्वायरमेंट है सो so, जो सेकेंड पॉइंट है इसमें आपको निकालना तो ई पी एस है ई पी एस आफ्टर मर्जर ऑफ ए लिमिटेड तो ई का तो फार्मूला आपको है ही कि अर्निंग ऑफ ए प्लस अर्निंग ऑफ एक्स प्लस सिनर्जी बेनिफिट अपॉन में नंबर ऑफ शेयर ए प्लस नंबर ऑफ शेयर बी इनटू में एक्सचेंज रेशो देखो अर्निंग कितनी है ए की पचास हजार की आ, पचास लाख की और बी की भी अर्निंग कितनी है अट्ठारह लाख की और नंबर ऑफ शेयर कितने हैं टेन थाउजेंड शेयर्स हैं प्लस सिक्स लाख शेयर्स हैं इंटू में आपका एक्सचेंज रेशो एक्सचेंज रेशो हम निकाल लेंगे सो यहाँ पे एक्सचेंज रेशो ब्लैंक छोड़ देते हैं अब यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लीजिए कैलकुलेट या वर्किंग नोट नंबर वन आ जाएगा आपका कैलकुलेट एक्सचेंज रेशो ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस पर शेयर तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों फॉर्मूले में एम पी एस ऑफ़ एक्स वाई जेड लिमिटेड कह लो या एक्स लिमिटेड कह लो और एम पी एस ऑफ ए बी सी लिमिटेड सो गाइस ये आ जाएगा आपका एम पी एस कितना है ट्वेंटी एट है और इस ए बी सी का है एम पी एस आपका फोर्टी टू तो ये आ जाएगा पॉइंट ज़ीरो पॉइंट सिक्स सेवन पर शेयर आपका एक्सचेंज आप, रेशो कि आपको एक शेयर के बदले में पॉइंट सिक्स सेवन शेयर्स दिए जाएंगे ए बी सी लिमिटेड के तो यहाँ पे आएगा हमारा कितना पॉइंट सिक्स सेवन सो गाइज ये आपकी टोटल कैलकुलेशन करोगे तो आपका ईपीएस आ जाएगा फोर पॉइंट एट सिक्स पर शेयर्स

वो मर्जर से पहले और टोटल अर्निंग मर्जर के बाद इक्वल होनी चाहिए उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए उस समय रेशो क्या रहेगा उस उसके लिए एक्सचेंज क्या होना चाहिए तो इस सिचुएशन के लिए आप सबसे पहले तो ये देखिए कि आपको जो एक्सचेंज रेशो है वो ऑन द अर्निंग की बात कह रहा है तो हमेशा एक्सचेंज रेशो आप ईपीएस के बेस पे ही निकालिए सो पार्ट थ्री so हम सॉल्व कर रहे हैं और यहां पे सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि अर्निंग जो है अर्निंग जो है सेम बिफोर मर्जर तो इसकी टोटल अर्निंग कितनी है और वही अर्निंग मर्जर के बाद होनी चाहिए तो टोटल अर्निंग है तीन रुपये तीन रुपए की अर्निंग है EPS इन टू नंबर ऑफ शेयर सिक्स लैक्स है तो टोटल हो गया रुपीज एटीन लाख की आफ्टर मर्जर तो भी एटीन लाख की अर्निंग आनी चाहिए तो एक्सचेंज क्या है एक्सचेंज रेशो ई के बेस पे तो ई पी एस ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड अपॉन मे ई पी एस ऑफ ए बी सी लिमिटेड यहाँ पे EPS क्या आया यहां पे EPS आया पे आपका अपॉन आप में EPS कितना था रुपीस so आ गया जीरो पर शेयर ईपीएसएस होना चाहिए एक्सचेंज रेशो होना चाहिए इस एक्सचेंज रेशो पे जो ई आएगा इस एक्सचेंज इस रेशो पे जो आपका नंबर ऑफ़ शेयर शेयर इशूड टू एक्स यू जेड लिमिटेड कितने नंबर ऑफ़ द शेयर इशू करोगे तो देखो सिक्स लाख के तो शेयर्स थे ही और पॉइंट सिक्स जीरो दोगे पर शेयर तो आप इनको दोगे थ्री लाख सिक्सटी थाउजेंड शेयर्स ओके जी सो यहाँ पे आपका ईपीएस आफ्टर मर्जर क्या होगा तो ई पी एस आफ्टर मर्जर होगा आपका मर्जर ऑफ मर्ज फॉर्म मींस डेट इज ए बी सी लिमिटेड तो इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है कि अर्निंग ऑफ ए प्लस अर्निंग ऑफ एक्स प्लस एनर्जी बेनिफिट अपॉन में नंबर ऑफ शेयर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ शेयर ऑफ बी इंटू में एक्सचेंज रेशो। तो अर्निंग जो टोटल है वो तो पचास लाख की है ए लिमिटेड की और बी लिमिटेड की है रुपीस अट्ठारह लाख की और नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो शेयर है आपके टेन लाख के शेयर्स हैं प्लस थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड के शेयर्स आपने इशू कर दिए एक्सचेंज रेशो का मल्टीप्लीकेशन करके सो so, यहाँ पे गाइस इसकी कैलकुलेशन में आपका जो ई आया रुपीज फाइव पर शेयर आया तो आप फाइव पर शेयर बी एक्स वाई जेड लिमिटेड को भी मिलेंगे सो टोटल अर्निंग ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड नाउ Is, देखो रुपीज फाइव पर शेयर क्या है ई है और टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं तीन लाख साठ हजार शेयर्स तो टोटल अर्निंग हो गई रुपीज़ टोटल अर्निंग हो गई आपकी रुपीज़ एटीन लाख सो गाइज इनकी अर्निंग पहले भी थी एटीन लाख ,00 अभी भी एटीन लाख ,00 है हैंस एक्सचेंज रेशो based on ई that is 0.60 आपका जो ए है वो 0.60 सिक्स जीरो रेशियो वन एक शेयर के बदले में पॉइंट सिक्स जीरो होना चाहिए सो गाइज क्वेश्चन नंबर सेवनटीन की हमने थर्ड रिक्वायरमेंट भी पूरी कर ली सो so, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर सेवनटीन कम्पलीट होता है एक ठीक ठाक बेसिक क्वेश्चन है इसे समझ भी लेंगे तो आपको इसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी सो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर सेवनटीन कंप्लीट होता है